मुझे 715 नंबर मिल जाएंगे। ये सब स्कैम है जो मेरे साथ किया जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट, मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी। डॉक्टर्स मुबारक हो जो बाहर निकलेंगे कल को, उन्हीं की किडनी बेचेंगे। साइंस की स्टूडेंट हूं, पढ़ना चाहती हूं और आगे बढ़ना चाहती हूं। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। आयुषी पटेल नीट UG 2024 की वो एप्लीकेंट है जिसने NTA पर रिजल्ट के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया। दावा किया कि NTA ने उनके 720 में से 715 मार्क्स वाले रिजल्ट को 340 मार्क्स वाले रिजल्ट के साथ बदल दिया। न्याय की उम्मीद के साथ आयुषी ने लखनऊ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बदले में NTA के बजाय हाईकोर्ट आयुषी पर बरस गया। क्या है पूरा सीन, आइए फर्जी रिजल्ट नहीं हम आपको फर्जी एप्लीकेंट की कहानी सुनाते हैं। आयुषी पटेल लखनऊ के बुद्धेश्वर की पिंक सिटी में रहती है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें उन्होंने NTA पर एप्लीकेशन नंबर के साथ हेरफेर और रिजल्ट बदलने का आरोप लगाया। वीडियो को प्रियंका गांधी ने भी रिपोस्ट किया। मामले ने तूल पकड़ा। आयुषी पटेल ने लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और आयुषी पटेल के सभी डॉक्यूमेंट्स फेक यानी फर्जी निकले। बता दें लोकल 18 ने इससे पहले भी इस मामले की जांच की थी, तब आयुषी ने अपनी बात रखी और वो ऑन कैमरा रोई भी। हालांकि अब आयुषी पटेल के इस गेम का पर्दा फाश हो चुका है तो मीडिया से वो खुद को छिपा रही हैं। कल तक जो आयुषी कैमरे के सामने बेहद बुलंद आवाज में NTA के नीट को स्कैम बता रही थी, आज उसी नीट एप्लीकेंट का स्कैम सामने आ चुका है। बता दें लोकल 18 की रिपोर्टर अंजलि राजपूत जब उनके घर पहुंची तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से बस एक आवाज आई, आयुषी घर पर नहीं है। आयुषी से मिलना था, तुम लोग मीडिया से हैं? अच्छा मतलब नहीं है? ठीक है। अच्छा मतलब नहीं है? ठीक है। अब लखनऊ हाईकोर्ट ने NTA को इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की छूट दे दी है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने दिया है। मंगलवार को NTA के एडवोकेट ने पहले के आदेश पर आयुषी पटेल का रिकॉर्ड पेश किया तो पता चला कि याचिका के साथ दाखिल किए गए दस्तावेज फर्जी थे। जिस रोल नंबर के 720 में से 715 मार्क्स आए और जिसे आयुषी अपना बता रही थी, असल में वो आयुषी का था ही नहीं। लोकल 18 के लिए लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।